अपने उत्तराखंड के बंदे, उत्तराखंड के लोग तो जरूर से सब्सक्राइब करना। ये कुछ लमगांव का मार्केट है। अंकल जी की साफ सफाई हो रही है अभी। तो गाइज अभी अंकल जी हमें शिलाजीत दिखा रहे हैं, चाय पी ली तो। इसको देखो आप, हाँ ये है ओरिजिनल। ठीक, कितना खून बना रहा है ये। सो हे गाइस, क्या हाल, होप सो बढ़िया और हमें मस्त है। तो आज फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है जबरदस्त। आज से जो आज से बनेंगे वो पार्ट एपिसोड में बनेंगे, तो बने रहना वीडियो में। तो अभी जल्दी से जल्दी फ्रेस होते हैं और नहा धो के रेडी होके आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो अपन लोग हो गए रेडी, तो एक और आ रहा है साथ में, आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, तो आपसे बाद में मिलाऊंगा। तो अपना बैग ये और ज़्यादा सामान वही ला रहा है, क्योंकि दो बंदे जा रहे हैं, तो एक ही बंदा ठीक है जो सामान ले जाए। तो टैम अपना वाला जा रहा है और दो टैन वगैरह जाएंगे उधर। तो हम जा रहे हैं दहरा बुग्याल, ठीक है। तो ये पार्ट में बनेंगे जैसे मैंने अभी बताया था, तो चलते हैं अभी। तो गाइस अभी लमगांव पहुंच गए हैं और मार्केट है, खाना खाने के लिए रुके हैं हम यहाँ पे। और सिस्टम कुछ ये रहा मार्केट का। तो जी एक होटल पर रुके हैं और यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, कड़ी चावल। मैंने तो स्टार्ट भी कर दिया ये पकौड़ी, पकौड़ी भाई बहुत टेस्टी हो रही है, मस्त। तो खाना खा के मिलते हैं आपसे। तो गाइस खाना पीना खा के बाहर आ गए। ये कुछ लमगांव का मार्केट है। तो जी अब निकल रहे हैं यहाँ से और हेलमेट वेलमेट सब पहन के, सीट बहुत गर्म हो रही है अंदर, तो निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। तो गाइस एक जगह पे हम रुके हैं सुसु ब्रेक के लिए और ये अपना कुछ सामान है। बाइक चलाए चलाए थक लगती है लेकिन मज़ा बहुत आता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी धोत्री मार्केट से थोड़ा आगे आ गए और कुछ सेटअप ऐसा कर लिया हमने, अब सीट पर बांधे रस्सी ली तो वहीं पर बांधे ताकि पकड़ने में दिक्कत ना हो, कंधे दुखते ना, तो इस वजह से। तो ये सामने धोत्री है, ये गांव पूरा मस्त ढंग से। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक, फिर मिलते हैं थोड़ी आगे। तो जी अभी हम यहाँ चौरंगी खाल पहुँच चुके हैं और जो स्कूटी का सफ़र था वो यहीं तक है आज के लिए। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मीटर की दूरी पे चढ़ाई पे। तो अभी यहीं पे थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद निकलते आगे। तो जी ये हमने चाय चौरंगी खाल में, अगर चौरंगी खाल है कुछ मार्केट इस तरीके से, ये देखो और अपने स्कूटी वहाँ पर खड़ी कर रखी है वो देखो। तो गाइस अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं, वो देखो मार्केट नीचे है चौरंगी खाल का और ये एक अच्छा रास्ता शुरू हो रहा है यहाँ से, ये ऊपर की तरफ, ये देखो। तो अभी ऊपर बुग्याल टाइप का है, वहाँ पे हम कैंप लगाएंगे और आज नाइट स्टे यहीं होगा हमारा। तो मिलते हैं सीधा ऊपर। तो जी लगभग लगभग पहुँच गए जस्ट 10 से 20 मीटर की दूरी पे, वो देखो ऊपर ये है, यहाँ पर हम कैंप करेंगे। मस्त जगह है यहाँ पर भी, यहाँ पर ये जगह जब हम गंगोत्री से आ रहे थे ना, गंगोत्री वाला पार्ट अगर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हम आए थे, चाचू ने दिखाई थी मेरे को ये जगह, तो तब से याद है। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे कैंपिंग तो करनी ही करनी है भाई, है नहीं। तभी दिखाता हूँ ऊपर जाके जगह मस्त ढंग से। तो जी यहाँ पे पहुँच गए हम इस तप्पड़ वाले इलाके में, बुग्याली टाइप का ही है और सामने वो देखो ही वो वहाँ पर देख रहे हो छानिया है वहाँ पर, ये यहाँ पर मस्त ढंग से। और इसी के सामने जस्ट यहाँ पे इस साइड को, ये ऊपर इन कहीं चोटियों में नचकेदार ताल है, वहाँ मछलियाँ ही मछलियाँ हैं पूरे में मस्त ढंग से। तो अभी यहाँ पे हम अपना कैंप लगाएंगे कोई अच्छी सी जगह देख के साइड में, कैंप अभी लगा बाद में लगाएंगे ना, तो फिर आज की नाइट यहीं पे। तो जी अभी यहाँ पे हम रुके थे तो भाई जी मिले, इस भाई का बर्थडे था इन भाई का, तो इनको हैप्पी बर्थडे बोल देना कमेंट में। तो ये भाई जी है, सब यहीं के है लोकल। सब्सक्राइब करो भाई, भाई के चैनल को फुल सपोर्ट, जितने भी लोग हैं ठीक है अपने उत्तराखंड के बंदे, उत्तराखंड के लोग तो जरूर सब्सक्राइब करना।
धन्यवाद भाई जी। तो गाइस अभी यहां पे आए थे हम, मतलब मस्त है जितने मिले हमें। तो गाइस हम अभी ना वहां पे थे उस वाले उसमें, और हम इस साइड को आ गए जहाँ पे घर है ना, और यहाँ पे अपना कैंप लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ना ऐसे उबड़ खाबड़ सी जगह थी, हमें ना थोड़ा सोने में दिक्कत हो जाती, तो इसलिए तो अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे कैंप लगाने का सही जगह है, तो अभी कैंप का सेटअप करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद ठंड भी लग रही है भयंकर यहाँ। सही है नी, ठंड लग रही है नी बहुत। कुछ वो दो भाई मिले थे अभी, भाई सही बंदे हैं बातचीत करने में, इंजॉय कर रहे थे अभी, लेकिन हमारे साथ सही थे, फुल सपोर्ट, सब भाईचारा है। तो जी अंदर का सीन कुछ ही है, अभी मैट बिछा लिया है यहाँ पे। तो ये अंकल जी मिले हमें। हाँ, तो आप यहीं रहते हो? अच्छा, हम लोगों ने अच्छा हम भी घर जाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ नहीं रुकते आप? बाबा यहाँ तो 6 महीने के लिए रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बालाजी होटल चोरंग है। हाँ, हमारा बालाग नीचे है होटल पे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा रहन बसेरा पशु के लिए ठीक है। हाँ, अब गांव में लगता काम। हाँ, हाँ, फसल बोने का। हाँ, तो नहीं चल पाते ना गाँव। हाँ, वो तो है। अब होटल तो लड़के चला रहे हैं। हाँ, तो लकड़ी लुकड़ी जला लो। नहीं लकड़ी नहीं, हमारे पास गैस वगैरह है ना, ला रहे हैं। पर फिर भी बाबा धुआं देना है तो धुआं दे दो। हाँ, धुआं तो कर देना है। क्यों? पुराने लोग कहते थे कि धुएं से कुछ आता नहीं है, स्वर होता है, हलो आता है, वगैरह भी आता है। तुम ऐसा काम करो, मैं सही तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा बगल में कहीं पे धुआं दे। सही बोला, ये लकड़ी है, हम ही लोगों की, ये छाप किसी की नहीं। अच्छा अच्छा, बल्कि चलो मैं भी ला ले उधर से लकड़ी। हम ना पूछ रहे हैं, फिर पूछना सही रहता है ना। ठीक है ना, चलो जी। ऐसा नहीं बाबा, सही बात है, नहीं सही बात है, पुराने और पुराने लोग सही तो करते थे। हाँ जी, नहीं हम तो इसलिए ले रहा था ना कि मतलब जंगल है, धुआं चल रहा है तो दूर से जानवर को महसूस हो जाता है। यहाँ है लोग, यहाँ पे रह रहे हैं, या ये चीज है। चलो लकड़ी ले जाते हैं तुम्हारे लिए। तो अभी लकड़ी लेने जा रहे हैं। अंकल जी ने सही बात करी कि आग जलानी चाहिए। आग बोले सबसे पहले कहीं पे घर बनाओ, चाहे केंद्र का बनाओ, आग जलिए तो सोचो भाग्य बना। वो तो है, सही बात है, समझो तुम। बोलिए आग हमारे पास कैटेक नहीं है, अगर लाइट नहीं तुम्हारे पास, मैं लाइट देता हूँ। लाइट है नहीं, अगर नहीं है तो बेटा मेरे, धन्यवाद आपका। सुनो, सारी व्यवस्था रहेगी मेरी करी हुई। अच्छा अच्छा, पानी की कोई बर्तन की कमी है वो भी हो जाएगा ना। अच्छा नहीं, अब छांटते हैं सुखे सुखे बाबा ने। और तुम आग जला लो यार, अपना घर गांव है, कोई दूर। अरे नहीं, वो कोई बात नहीं, एक दो मोटी उठाते बाबा यहाँ से। हाँ, एक दो मोटी उठाते हैं और फिर बारीक बारीक करके जो पहले फर्स्ट आग। तो ये लकड़ी ले जा रहे हैं हम यहाँ से, बारीक पहले बारीक बारीक एक दो मोटे उठाएंगे, जिससे बाद में बनी रहे आग थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की। तो ये लकड़ी उठा रहे हैं, अंकल जी भी मदद कर रहे हैं हमारे साथ। बाहर के हम बाहर वालों कर दे मदद, तुम तो अपने बच्चे हैं। धन्यवाद अंकल जी, तुमको बोलो ना। हाँ जी हाँ जी, आग जलानी जरूरत है बाबा। जी जी सही बात है। तो अभी पहले लकड़ी ले जाते हैं वहाँ तक जहाँ पर कैंप लगा रखा है, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, मैं नहीं चाय की कोई बना लेंगे। तो ये देखो, ये होते हैं पहाड़ी लोग, हर चीज में मदद करते हैं। ना ना ऐसा कुछ नहीं है, खाने पीने की तो नहीं, सब है, ये सब है, सब कुछ आ रखा है। धन्यवाद, धन्यवाद। ये अपनी आग भी जल गई। तो ये होते हैं पहाड़ी लोग, अपने उत्तराखंड के लोग की हर टाइम मदद के लिए खड़े हो रखे हैं। कोई डर नहीं बेटा। हाँ जी बिल्कुल जी, ऊपर वो कुत्ता भी है मेरे पास बढ़िया से। हाँ हाँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी बाहर चल रही है हवा और हम कैंप के अंदर ही खाना बना रहे हैं ब्यूटेन में। ये देखो कुछ सिस्टम ये है, अरे ये अपना सिस्टम, ये अंडे, ये आग जल रही है अपनी अंदर ही, क्योंकि इससे गर्माहट भी हो जाएगी कैंप के अंदर, मस्त। तो मिलते हैं खाना बनाने के बाद। तो गाइज ये देखो, इस साइड हमारा कैंप है ये, और यहाँ पे आग जल रही है। हम यहाँ थोड़ा नमक लेने आए थे, देखो गाने चल रहे पीछे। तो गाइज हम नमक लेने आ रहे हैं यहाँ पे, और ये है बूढ़ा जी।
ये है यहाँ पे, ये हमारा नमक का। अच्छा ना ना, हमें थोड़ा चढ़ो, हमें कटोरे ले आए ना हमारे। हाँ जी, तब हाँ कटोरे पर दे दिया। हाँ जी ना ना, एक नहीं हमक कटोरे तो ये देखो। हाँ जी हाँ जी, तो इनका कुत्ता भी अब अंदर, ये देखो कैसे अच्छी तरीके से बंद कर रखा है यहाँ पे, देख रहे हो। जानवरों के इसलिए, जानवर वगैरह आते होंगे ना यहाँ पे, तो इस वजह से इस तरीके से बाड़ लगा रखी है यहाँ पे। ज्यादा नहीं लिखे भाई, इसने बहुत सारा गा लिया। तो अभी हमने ना थोड़ा सा पानी मांगा है, क्योंकि पानी ना हेडपम्प वाला है हमारे पास, तो हेडपम्प वाले पानी में पीने में मज़ा नहीं आता यार, तो इसलिए थोड़ा इनसे पानी मांगा है एक बोतल पे। तो अभी नीचे अपना खाना बनेगा, अंडे बना रहे अभी, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम नमक लेने जा रखे थे, जैसे आपने देखा होगा अभी कि कितनी मदद कर रहे यार, हर 15 मिनट बाद आवाज़ मार रहे हैं मैं कि बच्चों कुछ चाहिए तो नहीं, बच्चे ठीक हो, बच्चे ये अलाना फलाना सब कुछ। तो अभी बोला उन्होंने कि कल सुबह की चाय मैं पिलाऊंगा तुम्हें, तो कल सुबह मिलते हैं फिर उनसे। तो अपना ये ऑमलेट बन रहा है यहाँ पे, तो अभी इसे बनाते हैं। नमक थोड़ा यार, नमक ही भूल गए थे हम, तो शुक्र यहाँ पे थे तो इस वजह से मिल गया नमक। तो पहले बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस कुछ सिस्टम ये देखो, बंद है अंडे, चाय, इसमें भी चाय, वो बंद ऑमलेट। तो भाई ये थोड़ा हैवी खाना हो जाता है, तो इसलिए बंद हो रहा अंडे बनाए हमने भी। तो क्या सिस्टम है कि अभी खाते हैं, फिर इसके बाद रात में सीन क्या होगा, रात में कुछ दिखेगा या नहीं, तो अभी कल सुबह मिलेंगे। अभी थोड़ा जो जो सीन दिखाने लायक होगा वो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी पहले खाते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हो रहे हैं 9:38, देख लो उल्टा करके देख लेना, ठीक है। तो अभी भाई बाघ की आवाज़ आ रही थी ना भाई साइड, खतरनाक, क्योंकि अभी सो गए थे, तो मैं ना आपको ना गुड नाइट बोलना भूल गया था, तो अभी बाघ की आवाज़ ने डरा दिया था, तो नींद खुल गई, तो इस वजह से। तो अभी वीडियो में इतना ही, मिलता है कल सुबह। अभी लाइक गुड नाइट एंड टेक केयर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:43, तो अभी अभी धूप आया लगभग मस्त ढंग से, ये देखो। तो बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो गाइस अभी हमें इनविटेशन आया है चाय पीने का, तो अंकल जी ने कहा कि अरे बेटा चाय पीने आ जाओ, तो हम जा रहे हैं अभी। तो साइड में कैंप अपना, तो ऊपर ये देखो भाई उन्होंने किस तरीके से ढक रखा है, पूरी मतलब बाड़ बना रखी हो, देखो देख रहे हो, पूरे ऐसे कांटेदार झाड़ियाँ रख रखी है, लकड़ियाँ रख रखी है प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कुछ आ ना जाए भयंकर। और कल ना बाघ भी था इस साइड में, बाघ और ये बारासिंगा इस साइड में। तो अभी अंकल से बात करते हैं, उन्होंने भी सुनी होगी बाघ की आवाज़। अंकल जी की साफ सफाई हो रही है अभी। अरे यार बाबा, पैरों पे आते नहीं गोबर। हाँ हाँ वो सही बात है, चल चलो चल चल। तो ये देखो कुछ इस तरीके से बना रखा है इन्होंने। चेक दिस, यहाँ देखो साग सब्जी भी बो रखी है, मक्का, अरे बीन्स वगैरह, सोयाबीन वगैरह। हाँ कहाँ है वो, तो सो रखा है अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई खोल नहीं, कोई बात नहीं। तो ये निकल गया घर कुछ। देखो कितना वो है, बाटी प्रणाम। थोड़ा अंधेरा हो रखा है यहाँ। हाँ हाँ
तो गाइज अभी अंकल जी हमें शिलाजीत दिखा रहे हैं, चाय पी ली तो हमने भी देख ही नहीं है कैसे होते शिलाजीत। आप भी देखो क्या असली शिलाजीत क्या होती है बाबा। हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल, क्योंकि नकली आजकल सभी बेच रहे हैं। नहीं अरे, बहुत ज्यादा करना, उसका क्या करना बाबा। तो ये देखो टिकट चल रही ने। हाँ जी, अब इसको देखो आप, हैं ये है ओरिजिनल। ठीक, खाते इसको? हाँ, दूध वगैरह डाल के बहुत हो है। ये आजकल ताजी आ रखे ना। अच्छा, पहाड़ों से निकलती बेटे ये। हाँ, अच्छा। हाँ, इतना पहाड़ों से निकलती है। ये पहाड़ों से निकलती है, ये सारी चीजें पहाड़ों से। अच्छा, आप सुनो इसको कितना लेना है दूध में। इसको मुंह पर डालो। अच्छा, डालो बेटा, खाना है कि मुंह पे डालना बस। जड़ी बूटी बहुत अच्छी रहती है, पता है ये लाखों रोग का है, लाखों रोग है। आज के बच्चे क्या समझ रहे हैं? खाओ खाओ, तुम घबराओ नहीं। नहीं, घबरा नहीं रहे। खा रहा हूँ तुम ये ना, ऐसा कुछ नहीं है अंकल। तो ये देखो, सब देखना, सब देखना। कड़वा 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 हो रहा है। हिमालय के अंदर निकलता है, यहाँ नहीं निकलता बेटा। तो आपने कहाँ से लाया ये? तो हम लोग जाते हैं ना संसदताल। अच्छा, संसदताल तो खरीद के लाए वहाँ पे। अच्छा, वहाँ के लोग निकालते नहीं, ये भूटान के लोग। अच्छा अच्छा, कितना खून बना रहा है। कुछ इस तरीके से पहले खा लो, तब देखो। मेरे बाबू नारियल की टुकड़ी भी डाली आगे तक ने। अच्छा, पूरा लाल हो गया मेरे सर दुकान दे रहा। तो गाइस छाने से हम नीचे आ गए, अंकल जी ने हमें शिलाजीत खिलाई और चाय पिलाई और क्या थी, मक्का। हाँ, मुंगरी मक्का वो खिला के थोड़ा इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने और बोला कि ऐसा ऐसा जाना, ऐसा ऐसा लाना वलाना करना, कि कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नाम लेना, मेरे को सब जानते हैं वहाँ। तो इस वजह से तो अब नीचे आ गए, टेंट ये रहा हमारा, तो इसे समेट के अब निकलना हमने दूसरी तरफ। तो वीडियो को एंड करते हैं हम यहीं पर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।